देखो बेटा, चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर जो है बेटा वो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है बेटा, बायो का चैप्टर है, ठीक है, जो हमें कवर करना है यहाँ पे। और अगर मैं आपको बात करूँ बेटा इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है। बट 50% कंटेंट इसमें ऐसा है बेटा जो आप कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में कवर करके आ चुके हो। 50% कंटेंट बेटा इस चैप्टर का ऐसा रहने वाला है जो आप कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में बेटा कवर करके आ चुके हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो रेस्पिरेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लास में करके आ चुके हो, बट यहाँ पे इसका डिटेल वर्जन मिलेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि 30-40% कंटेंट आपने छोटी क्लास में कवर कर रखा होगा और रेस्ट कंटेंट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से डाइजेशन के बारे में भी बेटा आपने छोटी क्लासेज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा होगा बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या प्लांट्स के अंदर बेटा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो किस तरीके से होता है उस चीज़ को भी बेटा हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में बेटा। आपको पता है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं। जैसे जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एक हमारे पास हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पे बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा वेस्ट को रिमूव करना। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है ना, जैसे सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है, तो उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना बेटा हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, इन सब के बारे में ना आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में कवर कर रखा होगा, और यहाँ पे भी वही सारी बातें आएंगी बट डिटेल में आएंगी। मतलब कि आप ये समझ के चलो कि जितना कंटेंट आपने छोटी क्लासेस में कवर किया है उसका यहाँ पे हायर वर्जन आपको देखने को मिलने वाला है। और चैप्टर काफ़ी बड़ा है बेटा, काफ़ी डीप में ये चैप्टर जाने वाला है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। हमें काफ़ी क्लासेस जो हैं इस चैप्टर में लग जाएंगी। चैप्टर में है क्या बेटा? चैप्टर का नाम है बेटा लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ आपको, और फिर हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे जो थोड़ा सा अलग है, बेसिकली मीनिंग से थोड़ा अलग होने वाला है। देखो, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है बेटा, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है। हमारी बॉडी जो है बेटा अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है, जैसे कि हार्ट जो है वो बीट करता है, जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो किडनी है वो वेस्ट को रिमूव करने में मदद करती है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी है ना बेटा वो अलग अलग फंक्शन करती रहती है। अब फंक्शन करेगी तो उसका ब्रेकडाउन भी होगा बेटा। ब्रेकडाउन का मतलब है बेटा वो खराब भी होगी, और अगर वो खराब होगी तो हमें उसको रिपेयर भी तो करना है, हमें उसको रिपेयर भी तो करना है। तो उसकी मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सेल्स की या बॉडी की मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। यस बेटा, आपने से बेटा कोई कुछ बोल रहा था? अगर नहीं बोल रहा था बेटा तो कोई, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि जो बॉडी के अंदर बेटा सेल्स होते हैं, जब वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम उनका ब्रेकडाउन भी होता है बेटा। मतलब वो एक तरीके से खराब भी होते हैं, तो हमें उसको रिपेयर भी करना है। अब हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी जो है वो खुद ही रिपेयर करती है। जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उससे बॉडी जो है वो खुद ही उसको रिपेयर करती है, उसको मेंटेन करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा लाइफ प्रोसेसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है बेटा वो क्या करती है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, अलग अलग काम करती है। जैसे मैंने आपको बोला, किडनी जो है वो वेस्ट को रिमूव करने में मदद करेगी, फिल्टर करेगी वेस्ट को, और जो हार्ट है हमारा वो पंप करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करवाएगा, जो स्टमक है वो डाइजेस्ट करेगा फूड को। तो हर चीज़ अपने अपने काम को परफॉर्म करती है, और जब वो परफॉर्म करती है तो वो ब्रेकडाउन भी होती है बेटा। ब्रेकडाउन का मतलब हो गया यहाँ पे खराब भी होती है, वियर एंड टीयर बोल सकते हो आप, मतलब यूज़ करना और उसका खराब होना, तो वियर एंड टीयर भी करती है बेटा बॉडी। और इस चक्कर में हमें उसको रिपेयर करना ज़रूरी है, हमें उसे मेंटेन करना ज़रूरी है बेटा, उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। अब ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम यहाँ पे बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करते हैं, जो पेपर के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक बेस बनाएगा हमारे चैप्टर के लिए। तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं और फिर आएंगे लाइफ प्रोसेस के मीनिंग के ऊपर।
तो चलते हैं बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अलाइन एंड वॉट इज नॉट अलाइव। कह रहे हैं अगर मुझे ये पता लगाना है कि क्या चीज़ कौन सा चीज़ अलाइव है यानी कि जिंदा है और कौन सी चीज नॉट अलाइव है यानी कि वो जिंदा नहीं है, तो उसका कैसे पता चलता है? तो देखो उसका पता चलता है इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो वो कह रहा है इसका पता चलता है कि जैसे एक डॉग है जब वो भाग रहा है तो इसका मतलब वो जिंदा है, तभी तो वो भाग पा रहा है। एक काउ है बेटा वो च्यू कर रही है, वो कुछ चबा रही है, तो अगर वो च्यू कर रही है तो इसका मतलब वो जिंदा है, तभी तो वो च्यू कर पा रही है। इसी तरीके से अगर एक मैन जो है बेटा वो स्ट्रीट पे शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो तभी तो चिल्ला रहा होगा बेटा अगर वो जिंदा है। तो इसका मतलब हम इन कुछ एक्टिविटीज से पता लगा सकते हैं बेटा कि क्या चीज़ अलाइव है और क्या चीज़ अलाइव नहीं है। बट यहाँ पे अब ट्विस्ट है, अब वो कह रहे हैं वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर असली। कह रहे हैं अगर ये काउ या डॉग या मैन सो रहे होंगे फिर कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है, फिर कैसे पता चलेगा बेटा कि ये जिंदा है? तो कह रहा है वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव बट हाउ डिड वी नो दैट, वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो कह रहा है कि अब अगर मान ले कि हमें देखना है कि क्या ये जिंदा होंगे या नहीं होंगे, तो उसका पता कैसे चलेगा? तो उसका पता चलेगा बेटा क्योंकि ये सांस ले रहे होंगे, ये ब्रीद कर रहे होंगे। अब आप खुद देखो बेटा, आप जब सोते हो तो हम सब क्या करते हैं बेटा, जब सोते हैं तो हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं तो आपको पता है ना हमारी जो चेस्ट होती है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाती है, और जब हम रिलीज करते हैं तो वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो जब हमारी सांस जब हम लेते हैं ब्रीद करते हैं तो हमारी बॉडी या स्पेशली जो हमारी चेस्ट है बेटा वो एक्सपैंड और डिस्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा, मतलब फूलती है और फिर अंदर चली जाती है, फिर फूलती है और फिर अंदर चली जाती है। इसका मतलब हम जिंदा हैं तभी तो हमारी बॉडी इस तरीके से मूव हो रही है। तो यानी कि अगर कोई इंसान सो रहा है तब भी हम पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। बट प्लांट्स का कैसे पता चलेगा? प्लांट्स तो सांस नहीं लेता, प्लांट्स तो ब्रीद नहीं करता, मतलब ऑल दो करता है बट हमें तो नहीं दिखता कि उसकी बॉडी मूव कर रही है। तो उसका कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है? सो वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, मतलब कि कोई बच्चा बोल सकता है ऐसा कि शायद सर इसलिए वो अलाइव है क्योंकि उनकी जो जो प्लांट्स है बेसिकली वो ग्रीन है, अगर वो ग्रीन होंगे तो वो अलाइव होंगे, क्योंकि आपको पता है ना ग्रीन प्लांट्स जो है वो जिंदा होते हैं। अगर वो ड्राई हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं ब्राउनिश कलर का, फिर उनकी लीव्स हो जाती है तो फिर वो मर जाते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं। बट अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब वो जिंदा है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बेटा कि सारी प्लांट्स की लीव्स तो ग्रीन नहीं होती, कुछ कुछ प्लांट्स की जो लीफ है बेटा वो ग्रीन के अलग कलर की भी हो सकती है, फिर कैसे पता लगाएं? तो उनका तब पता चल सकता है बेटा दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव समविल से। तो कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है बेटा कि क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है या नहीं है? तो उनका पता चलेगा बेटा ग्रोथ के साथ, कि अगर वो ग्रो कर रहे होंगे, अगर वो धीरे धीरे करके जैसे एक प्लांट है जो छोटा है अब वो बड़ा हो गया बेटा, तो इसका मतलब अगर वो ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो अलाइव है। तो एक बार बेटा यहाँ तक अगर मैं सारी बातों को रिपीट करूँ तो आपको अच्छे से और चीज़ें समझ आएंगी। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, कह रहे कि अगर मुझे पता लगाना है बेटा कि कौन अलाइव है और कौन नॉट अलाइव है, तो कैसे पता लग सकता है? अगर कोई डॉग भाग रहा है या कोई काउ चू कर रही है या कोई मैन शाउट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि वो सब लिविंग बींग्स है। बट अगर यही सब लोग सो रहे होंगे फिर कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है या नहीं है? तो फिर पता चलेगा बेटा कि ये ब्रीद कर रहे होंगे, ये सांस ले रहे होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये अलाइव है। प्लांट्स का कैसे पता चलेगा बेटा? क्योंकि प्लांट्स तो ब्रीथ करते टाइम कोई उसकी बॉडी की मूवमेंट होती नहीं है, फिर उसका कैसे पता चलेगा बेटा? तो वो कह रहा है कि वी सी देम ग्रीन, हम अगर देखेंगे कि प्लांट्स ग्रीन है तो फिर इसका मतलब वो अलाइव है। बट सारे प्लांट्स तो ग्रीन नहीं होते बेटा, कुछ प्लांट्स तो अदर देन ग्रीन भी होते हैं, फिर उनका कैसे पता चलेगा? तो उनका पता चलेगा बेटा उनकी ग्रोथ के साथ, टाइम टू टाइम जब उनके अंदर ग्रोथ होगी तो हम कह सकते हैं बेटा कि वो अलाइव है। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज सम कॉमन एविडेंस फॉर बींग अलाइव। तो कह रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि हमें कोई ना कोई मूवमेंट देखने को मिलती है, फिर चाहे वो ग्रोथ को लेके हो या कोई भी और ऐसा एविडेंस जो हमें ये साबित कर सके कि यस ये अलाइव है। तो इनसे हमें पता चल सकता है बेटा कि वो इंडिविजुअल जिंदा है या नहीं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अलाइव हूँ, इसका मतलब आप लोग बैठ के सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे हो मतलब ऑब्वियसली सुन भी रहे होगे नो डाउट, तो इसका मतलब आप अलाइव हो। और ऐसा नहीं कि अगर आप सुन नहीं रहे तो आप अलाइव नहीं हो, अगर आप नहीं सुन रहे स्टिल आप अलाइव हो क्योंकि आप ब्रीथ तो कर रहे हो ना, आप फिजिकली देख तो रहे हो सब कुछ।
जब आप सो रहे हो तब भी आप अलाइव हो, भले आप सो रहे हो आपकी बॉडी वैसे मूव नहीं कर रही, बट क्योंकि अंदर ही अंदर ब्रीदिंग तो हो रही है, अंदर आपकी बॉडी फंक्शन तो कर रही है, इसका मतलब अलाइव तो आप हो। कह रहे बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोन इन इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीद विदाउट विजिबल मूवमेंट, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। कह रहे हैं कि अब जैसे कुछ एनिमल ऐसे हैं बेटा जो ब्रीद करते हैं बट स्टिल उनके अंदर ना हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, तो क्या स्टिल वो अलाइव है? तो यस वो स्टिल अलाइव है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो ब्रीद करते हैं बट उनकी बॉडी ना मूव नहीं करती है, उनकी बॉडी हिलती नहीं है, उनकी चेस्ट वगैरह मूव नहीं करती है, तो क्या तब भी वो अलाइव है? यस बेटा तब भी वो अलाइव है। तो अब इस लाइन से क्या बोलना चाह रहा है आपको, इस लाइन से बोलना चाह रहा है, कह रहा है कि मूवमेंट वाला करेक्टरिस्टिक अकेला सफिशियंट नहीं है ये पता लगाने के लिए कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है। मतलब कि सिर्फ मूवमेंट से ही आप पता नहीं लगा सकते कि वो इंसान जिंदा है या नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता लगाने में मदद करेगी कि वो जिंदा है या नहीं। और वो क्या है बेटा? वो आपकी इंटरनल फंक्शन है बेटा, इंटरनल बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते रहते हैं ना वो भी हमें पता लगाने में मदद करती है कि हम जिंदा है या नहीं। जैसे कि अभी आप सो रहे हो, मान लो आप रात को सोते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, तो इसका मतलब वो जिंदा तो है, इसका मतलब वो जिंदा तो है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आप सो जाते हो तो फिर जैसे आप, कि अगर हम सो रहे होते तो हमारी एनर्जी तब भी होती है। यस जैसे यहाँ पे निखिल मेरे पास फिजिकली बैठा हुआ है, तो निखिल कह रहा है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, तो यस बेटा जब आप सो रहे होते हो ना तब भी आपकी एनर्जी खर्च हो रही होती है। क्यों खर्च हो रही होती है? क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, जब वो काम करेगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? जो आपने खाना खाया होगा जिससे एनर्जी मिलेगी। तो ये चीज़ है बेटा, आपकी बॉडी फंक्शन करती रहती है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कह रहा है मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा है कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते, नेकेड आई मतलब हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होती है। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। कह रहे हैं कि क्या इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है? क्या हमारी लाइफ, अगर हमें जिंदा रहना है तो क्या ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी में होना जरूरी है? यस बेटा यस, ये छोटे छोटे मूवमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है क्योंकि यही तो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछोगे ना कि क्या ये मॉलिक्यूलर छोटी छोटी मूवमेंट होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका आंसर होगा यस बेटा, ये छोटी छोटी मूवमेंट जो है बेटा बॉडी के अंदर होना जरूरी है। इस पॉइंट को भी मैं बाद में पढ़ूंगा, इस पॉइंट को मैं बाद में पढ़ूंगा, एक सेकेंड रुकना बेटा।